वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर। तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज हम जाने वाले हैं एमएसजे कॉलेज, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन लिखी थी बीए की डिग्री के लिए। 2011 में मैंने बीए कर ली थी, तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखी थी। तो उसमें एप्लीकेशन क्या लिखना पड़ता है, तो एक तो प्राचार के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें कि मेरे बीए इतने सन में कर लिया है और मेरा ये नंबर है, रोल नंबर जो आईडी नंबर होता है जो वो लिख दिया था, और एक आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट और एक मार्कशीट जो बीए की फाइनल की, तो दे के आया था। तो मैडम ने कहा था नंबर दे जाइए, आपको कॉल कर देंगे। तो अभी कॉल आया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बीए की डिग्री लेने। तो मैं आपको दिखाता हूँ एमएचए कॉलेज, तो मिलते हैं और दिखाता हूँ बीए की डिग्री कैसी मिलती है। मैंने भी नहीं देखी, तो बड़ा एक्साइटमेंट हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं बाइक पे, राइड पे। तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, और अभी हम आ गए हैं राजा मानसिंह सर्किल। तो यहाँ से जा रहे हैं हम एमएचए कॉलेज। तो मेरे खुशी की बात यह है कि बीए की ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी है। तो पहले मैं नंबर दे के आया था, तो अभी कॉल आई। मैं एक नंबर दे के आया था मैडम को, तो उन्होंने कॉल किया कि आप अपनी बीए की डिग्री नहीं लेने आए। तो मैंने कहा ठीक है, आता हूँ। तो ये है महाराजा मदन सिंह स्कूल, उसके आगे पड़ेगा आपको मल्टीपर्पज़ स्कूल, फिर उसके आगे पड़ेगा आपको कॉलेज, एमएचए कॉलेज। तो उसमें बीए की डिग्री मैंने 2011 में कर रखी थी बीए। तो बीए की डिग्री के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, और उसके बाद अपना एक आधार कार्ड लगा दिया, और बीए की मार्कशीट की फ़ोटो स्टेट लास्ट ईयर की, वो तीनों चीज़ लगा के मैंने सबमिट करा दिया था। तो चलो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ बीए की डिग्री कैसी आती है। तो अभी हम जा रहे हैं एमएचए कॉलेज, ये है महाराजा मल्टीपर्पज़ स्कूल, मास्टर आदित्य और बदन सिंह स्कूल निकल गया। उसके सामने सीधे सीधे आप जाओगे तो सड़क खुद ही मिल जाएगी सड़क खुद ही मिल जाएगी, नहीं सड़क बन रही है अब, तो सड़क बन जाएगी अगर आप वीडियो देखोगे तो। बहुत जल्दी काम चल रहा है आजकल। और यहाँ पर ही है सुनील बुक डिपो, बहुत सारे कोचिंग संस्थाएँ यहाँ पर चलती हैं। ओहो देखिए क्या हालत कर रखी सड़क की, सारी खोद के पड़ती है। तो ये पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक का ऑफिस यहाँ पे, और यहाँ से सीधा एमएचए कॉलेज को निकल जाते हैं। बस पहुंच गए हम एमएचए कॉलेज थोड़ी देर में। तो ये आ गए हम एमएचए कॉलेज, इंडिकेटर दे दिया है, और ये आ गए हम महाराजा महारानी श्री जया स्नातोत्तर महाविद्यालय। तो कॉलेज का घुसते ही एनसीसी का पड़ेगा आपको, मैंने ब्लॉग डाल रखा है कॉलेज का, मंदिर श्री हनुमान जी का। शास्त्र विभाग, गणित विभाग, तो इधर की साइड में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो कुछ ऐसा माहौल है कॉलेज का अपने का, एमएचए कॉलेज का। तो प्रशासनिक खंड ये है, पीछे की साइड में हमको डिग्री मिल रही होगी। तो बात करते हैं पीछे मैडम से। ओहो भाई साहब, लेका शाखा भाई टोपी कहाँ गई यार, चल ऐसे पूछ लेंगे। संकाय शाखा मैडम, वो बीए की डिग्री की अभी कॉल किया था ना।
भाई साहब साइन कर लेंगे ना, कहाँ डिग्री पे भाई साहब? डिग्री कौन सी साइन किया आपने? कहाँ का मार दूँ यहाँ पे? अरे यार ये ऑटो मेरो हेलमेट जब और कुछ साइन वगैरह होंगे कुछ ऐसी है? मिल गई डिग्री बीए की, बैचलर ऑफ आर्ट कपिल कुमार स्वयं पाटी। तो बीए की डिग्री मिल गई मेरे को, अब चलते हैं सीधे घर के लिए। तो बहुत खुशी की बात है, बीए की डिग्री मिल गई और अपने एमएचजे कॉलेज को करते हैं अलविदा। फिर कभी आएंगे, कभी मौका मिलेगा तो कॉलेज में, जब कॉलेज वाले बुलाएंगे मेरे को कॉलेज वाले बुलाएंगे जब मेरे को चीफ गेस्ट, जब आएंगे। तो प्रोग्राम होते रहते हैं कॉलेज में, अब चुनाव आएंगे, चुनाव में होते रहते हैं प्रोग्राम, तो बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो कॉलेज का ऐसा माहौल है, देख सकते हो आप, ये लिख रखा भाई ने जाट। तो निकलते हैं फिर, तो फाइनली हमको बीए की डिग्री मिल चुकी है और अभी हम जा रहे हैं घर। और आपको एमएचए कॉलेज अच्छा लगा, कैसा लगा अपना कॉलेज भरतपुर का? तो मैंने वीडियो डाल रखा है एमएचए कॉलेज का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।